जहां बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इस साल फिल्म पठान से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा चुके हैं, वहीं अब किंग खान दूसरे धमाके की तैयारी में हैं। जी हां, उनकी मच अवेटेड मूवी जवान भी 2023 में आएगी, जो कि पैन इंडिया मूवी है जिसके डायरेक्टर से लेकर एक्टर तक सभी साउथ से हैं, जहां शाहरुख खान नयनतारा विजय सेतुपति के बाद जवान में एक और साउथ सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है। दरअसल बता दें कि बॉक्स ऑफिस अपनी कमबैक फिल्म पठान से धमाल मचाने के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी हैं और इस फिल्म को साउथ के मशहूर डायरेक्टर एटली कुमार बना रहे हैं। साथ ही शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में साउथ अदाकारा नयनतारा लीड रोल निभा रही हैं। वहीं पठान के बाद इस समय किंग खान की फिल्म जवान की काफी चर्चा जोरों पर है, जिसके बाद अब फिल्म से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। और सामने आ रही खबर के मुताबिक विजय सेतुपति के अलावा फिल्म में एक और बड़े साउथ सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर एटली कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म जवान के लिए पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन को खास रोल के लिए अप्रोच किया है। कहा जा रहा है कि किंग खान की फिल्म जवान में अल्लू अर्जुन कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो जवान से अल्लू अर्जुन अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले कभी अल्लू अर्जुन ने किसी भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया है। हालांकि अभी तक एक्टर ने मेकर्स की ऑफर पर हामी नहीं भरी है, मगर इसके लिए काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि वो इस ऑफर के लिए राजी हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि जिस रोल के लिए पुष्पा एक्टर को अप्रोच किया जा रहा है वो फिल्म के हिसाब से काफी अहम है, और अल्लू अर्जुन को एटली कहानी भी सुना चुके हैं, मगर अभी तक एक्टर ने उनके ऑफर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वैसे तो अल्लू अर्जुन से पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि जवान में सुपरस्टार थलपति विजय कैमियो रोल करते नजर आएंगे, मगर अभी तक थलपति विजय कैमियो को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जवान को लेकर पठान के सुपरहिट होने के बाद काफी उम्मीदें बनी हुई हैं। इसके अलावा फिल्म में किंग खान का फर्स्ट लुक भी आउट हो चुका है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।